और आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तुरु का है क्या चीज़, तुरु का कैसे होता है और तुरु का कौन लोग करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि मुझे भी अभी पहली बार पता चला है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वर्ड तुरुका जो है वो सुनने में ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तुरुका है क्या चीज़, तुरुका कैसे होता है और तुरुका कौन लोग करते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली ब्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो भाई तुरुका जो है रेस्टोरेंट फील्ड में होता है, और ये हर रेस्टोरेंट में नहीं होता, जो कंपनीज़ के रेस्टोरेंट होते हैं, जिस तरह एक कंपनी है उसके 10-12 रेस्टोरेंट है, 20-30 रेस्टोरेंट है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जिस तरह मेरी जॉब लगी है, तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ये एक बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। अभी जो है यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है ये लोग खाने के पैसे अलग देते हैं जो कि सैलरी में ऐड होके आते हैं, जो कि तकरीबन 128 यूरो बनते हैं। और उसके अलावा जो है खाना, जिस दिन आपका फुल डे काम है दो टाइम खाना होता है, खाना भी कोई हल्का फुल्का नहीं होता भाई, तुरुका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे फूड कोर्ट में तकरीबन कोई 20-30 रेस्टोरेंट है, और इस 20-30 रेस्टोरेंट में से अगर कोई बंदा आपके रेस्टोरेंट का खाना खाना चाह रहा है तो आप उसके रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का सीन है कि डेली आप कहीं ना कहीं का खाना खा सकते हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं वो रेस्टोरेंट चूज़ करूँ जहाँ पर हलाल चीज़ मिले, हराम चीज़ ना मिले। तो एक और भी सिस्टम अच्छा है, तुर्की वालों को सलाम हो, उनका एक रेस्टोरेंट है अलीबाबा के नाम से, टर्किश रेस्टोरेंट, तो उधर जो है हलाल फूड होता है, मतलब चिकन बीफ दोनों चीज़ें हलाल होती हैं। तो हर रेस्टोरेंट में ये नहीं है, मैंने पहले भी दो जगह पे जॉब की है, और जो मेरी अब ये जॉब लगी है यहाँ पे जो है खाने के पैसे अलग हैं, तुरुका सिस्टम अलग है। तुरुका कहते हैं आप भाई किसी भी रेस्टोरेंट में जाएँ उनको बोलें कि तुरुका परा मेड पिज़्ज़ा, तुरुका परा मैकडोनल्स प्रोफा फोर, तो के भाई मैं तुरुका करना, क्या आप तुरुका करना चाहते हो मेड पिज़्ज़ा के साथ या मैकडोनल्स के साथ या KFC के साथ। तो अगले बंदे वो अपने फिर स्टाफ से पूछते हैं कि किसी एक बंदे ने अगर उस रेस्टोरेंट से खाना खाना है तो फिर उसके नाम पे आप जो है उसके रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हो। जैसे मेरे रेस्टोरेंट पे कोई अलीबाबा का बंदा आया, उसने बोला कि मैंने यहाँ पे खाना खाना है, मैंने बोला मैं चेंज करूँगा आपके साथ, मेरा जो खाना था वो खा लिया, उसने खा लिया, और अब जो उसका खाना है वो मैं खा रहा हूँ। तो डेली कोई ना कोई नया खाना है बग़ैर पैसों के जो है आप भाई मज़े ले रहे हैं, मज़े तो नहीं, खैर ये पार्ट ऑफ जॉब है। जिस तरह एयरलाइन फील्ड में टिकट्स मिलती हैं, बोट फील्ड में आप किसी भी कंट्री में आपका जहाज़ रुकता है आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, इस तरह रेस्टोरेंट फील्ड में जो है खाने का सिस्टम फ्री है हर जगह पे। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं वो अपना ही खाना देते हैं, तो फिर बंदा खा खा के बोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का सीन है आप किसी भी रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हैं। आप में से कितने लोगों को तुरुके का पहले पता था वो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तुरुका है क्या, खाने में अभी मेरे पास क्या है, तो आप देख के बोलेंगे कि हाँ यार वाकई अच्छा सिस्टम है, फिर बात करते हैं। ये जो अलीबाबा से मैं तुरुका किया है, मैं अक्सर उधर से तुरुका करता हूँ और चीज़ें चेंज करता रहता हूँ, कभी शवारमा, कभी डोनर, कभी दुर्रम। तो आज ये मैंने परातों लिए, परातों में ये राइस हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, ये इनके साथ बताता है इनकी ये चटनी बनाते हैं वो है, और चिकन और बीफ है क्योंकि हलाल है तो मैं दोनों इनसे लेता हूँ, और इसके अलावा सैलेड है, और उसके अलावा कोका कोला है। तो इनके पास डिफरेंट मेन्यू है, आप डिफरेंट मेन्यूज़ ले सकते हैं। इस टाइम मैं ये खाना खा रहा हूँ, और ये जो है पूरा ये फूड कोर्ट बना हुआ है नीचे भी और ऊपर भी। तो अभी ये मैं खाना खा रहा हूँ, आप लोग बताएं भाई तुरुके का आप लोगों को पहले पता था या नहीं पता था, या मेरी तरह नाम ही नहीं सुना है। तो भाई तुरुके में ये सिस्टम नहीं है कि आप किसी भी शॉप पे गए और आपने ये बोल दिया कि भाई मुझे तुरुका है, तो वो बस खलम पेली में खाना देंगे, वो बेहतरीन ज़बरदस्त खाना बना के देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो हूँ वो शेफ़ हूँ पिज़्ज़े का, तो अल्लाह ताला ने हुनर दे दिया हाथ में, तो मेरे पास जो भी रेस्टोरेंट में आता है खाना खाने के लिए
पांच हमारे पास पांच इंग्रेडिएंट आई चूज़ पिज़्ज़े में यूज़ कर सकते हैं आप लोग। वैसे हमारे पास 25 वैरायटी के पिज़्ज़ाज़ हैं इटालियन, 25 पिज़्ज़े हैं। तो आई चूज़ जब पिज़्ज़ा होता है, जो भी इंग्रेडिएंट बंदा चूज़ करता है, मेरी कोशिश यही होती है अच्छे से अच्छा पिज़्ज़ा उसको बना के दिया जाए, ताकि यार वो तरोका करने आया है उसको ये ना हो कि खालम पेली में दे रहे हैं। तो मैं भी जहाँ भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि अच्छा बना कर देता है तो वो लोग भी ज़बरदस्त खाना देते हैं ताकि पेट भर जाते हैं। तो अक्सर औकात मेरा ये अब सीन है कि मैं दोपहर का खाना जिस दिन फुल डे होता है तो रोके में खा लेता हूँ, और रात का खाना अपने वहाँ से पैक करके घर ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता काम के लोड की वजह से। बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी मैं तरोका इन्जॉय करता हूँ, होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं बस अभी खाने स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।